प्रदूषण की अवधारणा के अंतर्गत रेडियोधर्मी प्रदूषण के बारे में चर्चा कर रहा था। आज का प्रश्न है, वायु प्रदूषण क्या है? जैसा कि आप जानते हैं, वायु मानव जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि वायु के बिना मानव जीवन संभव नहीं है। वायु प्रकृति का वह तत्व है जो शुद्ध और परिष्कृत रूप में मानव की श्वसन प्रक्रिया को पूर्ण करती है। यदि वायु अशुद्ध होकर हमारे शरीर में प्रविष्ट होता है, जो अनेक प्रकार की बीमारियां शरीर में उत्पन्न होती हैं, हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को विनष्ट होने का खतरा बढ़ जाता है। वर्तमान समय में भारी उद्योगों की स्थापना तथा उनसे निकलने वाले चिमनियों के धुओं से वायुमंडल में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है और ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। वर्तमान सर्वेक्षण के अनुसार इस समय CO2 की मात्रा 300 ppm के समीप पहुंच गई है। इसका और भी कारण है, वृक्षों की अंधाधुंध कटाई और आनुपातिक वृक्षारोपण में कमी मानव की विलासितापूर्ण